है और मैं हूँ तुषिता। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ऐसे सज धज के क्यों खड़े हुए हैं, हम लोग कहीं जाने वाले हैं, इसलिए हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं। कहाँ जाने वाले हैं वो हम लोग को देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। आप लोग भी बने रहिए वीडियो पर और आप लोग भी देखिए कि हम लोग कहाँ जाते हैं। और हाँ, कुछ अच्छी जगह में तो जाएंगे आज, तो चलिए चलते हैं फिर। और मेरे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए जल्दी से, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो अभी रेडी हो चुके हैं तो चलते हैं। चलिए अभी हम लोग नीचे जाएंगे और नीचे का भी व्यू पॉइंट आप लोगों को दिखा देंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो पे। और इधर पे मैं थोड़ा मतलब शॉर्ट वीडियो बना रही थी, मेरे हस्बैंड को बोल रही थी स्लो मोशन वीडियो, तो थोड़ा सा क्लिप मैंने इधर इस वीडियो में भी डाल दी।
मुझे अच्छा लगा इसलिए। और ये देखिए इधर में क्या कुछ लेके बैठा हुआ है, इधर में शंख होता है ना, शाखा वगैरह, इधर में जो झिनुक होता है वो सब, मतलब फिर काप वगैरह क्या के लेके बैठा हुआ है। इधर में बहुत सारे ऐसे शॉप है और इसमें घोड़ा भी इधर में राइड होता है, हॉर्स राइड भी होता है। जो लोग हॉर्स राइड करने का शौक़ है तो आप लोग राइड कर सकते हो इधर पर। मेरा शौक़ नहीं था क्योंकि मैं हॉर्स राइड बहुत सारी जगह पे कर लिया, तो मुझे हॉर्स राइड का कुछ शौक़ नहीं है अभी। और अभी मुझे समुंदर का मज़ा लेना है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि फ़ोन लेके वीडियो खींचो, मैं थोड़ा मज़ा ले लेती हूँ। तो वो मेरे वीडियो ले रही थी, मैं थोड़ा मज़ा ले रही थी। और हम मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बाद में आऊँगी। तो इधर में देखिए पूरा लोग कैसे नहा रहे थे, बहुत ही मज़ा कर रहे थे। एक्चुअली मैं समुंदर में आऊँ तो उधर का मज़ा ना लूँ तो अच्छा मज़ा नहीं लगता, उतना मज़ा नहीं लगता। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बाद में आऊँगी तो ऐसे ड्रेस लेके आऊँगी कि समुंदर में नहा के एकदम मज़ा करके जाऊँ। और ये देखिए मैं थोड़ा सा समुंदर का टच मेरा ले रही थी, इसका फीलिंग्स ले रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए बार बार मैं इसका वीडियो ले रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये मज़ा मैंने मिस नहीं किया, क्योंकि समुंदर में जो लोग भी आते हैं ये तो करके जाते हैं, इसका मज़ा कुछ अलग सा ही है इसका फीलिंग्स। और ये देखिए मेरा पागलपंथी, और मेरा हवा में मेरा पूरा बाल ना देखे पूरा ख़राब हो चुका था, और इसका हवा ना मुझे इतना मस्त लग रहा था। और ये समुंदर का हवा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। आप सुनने में ही देख सुन सकते हो कि हवा कितना ज़्यादा मस्त लग रहा था, तो आप सोचिए। आइए, ये गोपालपुर सी बीच है उड़ीसा में, और बहुत ही सुंदर है, बहुत पॉपुलर भी है। इधर पे बाहर से भी लोग आते हैं इसमें विजिट करने के लिए, तो आप लोग भी आ सकते हो। और अगर मेरे वीडियो देखे और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन जो है इसके पास में उसको भी दबा के रखो, क्योंकि मेरा हर दिन का वीडियो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के द्वारा आता रहेगा। और ये कुछ क्लिप मैंने मेरे बाद में मैंने मम्मी पापा के साथ ये बीच में घूमा था, तो ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए मेरे मम्मी पापा कितना क्यूट लग रहे थे इसमें, और लोग भी मज़ा ले रहे थे। मेरे मम्मी को ना बहुत ही अच्छा पसंद है, मतलब बहुत ही पसंद है समुंदर, तो वो मतलब पूरा खो जाती है मेरे मम्मी। तो देखिए कितना इस एज में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बहुत मज़े ले रही थी मेरी मम्मी पापा। तो इसलिए मैं ये वीडियो क्लिप भी थोड़ा सा मैंने ले लिया, मतलब इस वीडियो पे डाल दिया, मुझे अच्छा लगा इसलिए।